ये ब्लूटूथ आया है हमारे पास, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। इसको ऑन ऑफ करो, कुछ भी नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें ऑन होने का। ऑफ करो, ऑन करो, पूरी कंडीशन अभी बंद हालत में है। और इसका जो चार्जिंग पिन है वो भी टूट गया है, तो इसको ओपन करके हम देखते हैं कि इसमें क्या परेशानी है। मैंने इसको ओपन कर लिया। इसका चार्जिंग जैक टूट गया है, ये अंदर इधर से पूरा उखड़ गया है, मतलब ये वापस अब चिपकेगा नहीं, वापस चिपकेगा नहीं इधर से। ठीक है, ओके। इसका स्पीकर या बैटरी इधर सब दिया गया है, इसको पावर भी चेक कर लेते हैं। इसका बैटरी का वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं कितना है। बैटरी तो रिस्टोर हो सकती है क्योंकि 1.5 वोल्ट बचा है बैटरी में। सिर्फ ये पावर कनेक्शन हम पहले करके देखे तो इसको मालूम पड़ जाएगा कि बैटरी और ये सर्किट से परफेक्ट है कि नहीं। ओके, ये इधर हमारा जो चार्जिंग पॉइंट है वो पूरा पीसीबी से उखड़ गया है। अब इसको हम डायरेक्ट वायर करने वाले हैं कि वापस जोड़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसको सीधा डायरेक्ट इसका प्लस माइनस वो जो टूटा है वो कनेक्शन हमने उधर ढूंढ लिया है और उधर हम लगाने वाले हैं, क्योंकि हर पीसीबी में कनेक्शन अलग तरह के होते हैं। तो इसका हमने जो पॉजिटिव और नेगेटिव तो सब मालूम है, नेगेटिव तो कहाँ पे लगता है, तो पॉजिटिव जो जगह पे लगता है वो मैंने इधर से ढूंढा है ट्रांजिस्टर के बाजू में। तो इधर हम इसका पॉजिटिव देने वाले हैं और इधर हम इसका नेगेटिव देने वाले हैं। चलो हम जोड़ते हैं। और ये वायर में भी हम पहले चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा है। वैसे तो कलर कोड से मालूम चढ़ जाता है, कलर कोड से मालूम पड़ जाता है कि कौन सा वायर पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये पॉजिटिव होना चाहिए रेड और ये नेगेटिव होना चाहिए। ये तो हो गया कम्प्लीटली। चलो हम इसको कनेक्शन करते हैं। ये डीबीटी वाले वायर है उसको हम काट देते हैं, ऐसे में इसको काट देते हैं एंड तक। जो क्या है, OUSB में दो वायर डेटा होते हैं, डेटा के इस स्विच के बगल में मैंने इसका नेगेटिव जोड़ दिया है इधर। अब इसको हम चेक करते हैं। इसका बैटरी डाउन है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसको हम पहले फिटिंग कर लेते हैं। ये भी इसमें भी जैसे जगह का सेटिंग होता है उसी तरह से ये वायर को भी निकालना रहेगा। ये एंटीना का वायर है, हम इधर से निकालने वाले हैं, तो इसका खांचा बना लेते हैं।
वायर का इधर खांचा बना देते हैं, इधर से निकाल देते हैं, ठीक है। बस अब इधर से रखेंगे तो क्या है कि इधर से डायरेक्ट ऐसे खींच के नहीं जाएगा, अंदर से इधर फिटिंग में रहेगा। ये हो गया है देखिए, अब ये फिटिंग में हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि ऐसा बिगड़ जाता है तो हम रिपेयर नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह से अगर जुगाड़ लगाते हैं तो चल जाएगा। ये फिटिंग में आ गया, ठीक है। अब इसको हम फिर से चेक करके देखते हैं। ये रिपेयरिंग हो गया है, सेल कम जो डिस्चार्ज है इसकी वजह से चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।